शिकारपुर नगर के मोहल्ला मौथरपुरा के रहने वाले भारत के होनहार युवा परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण भारद्वाज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने वैज्ञानिक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया। परिजनों का आरोप है कि अमेरिकी प्रशासन इस होनहार भारतवंशी परमाणु वैज्ञानिक को षड्यंत्र के तहत पागलखाने में डाल चुका है। वहां पर उसको हैवी एंटीबायोटिक दवाएं और खतरनाक हैवी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन और सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए किए गए उसके द्वारा परमाणु रिसर्च वर्क से कोई और लाभान्वित ना हो सके। इस स्तर के विश्व स्तरीय अनुभवी युवा परमाणु वैज्ञानिक को एक षड्यंत्र के तहत अमेरिकी पागलखाने में सड़ाया जा रहा है जिससे ये अपने देश जिंदा वापस ना जा सके। ये ह्यूस्टन फेडरल कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है जिसमें जज डेविड हिटनर ने साफ कहा है कि तरुण भारद्वाज के साथ नस्लीय भेदभाव हुआ है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और तरुण भारद्वाज के साथ जो यूआरएल लिंक पड़े हुए हैं उसकी छवि को प्रभावित करने वाले उनको तत्काल हटाया जाए। लेकिन तरुण भारद्वाज के अकेला होने के कारण, किसी का उसको सहयोग न मिलने के कारण आज ये सारे आदेश धूल चाट रहे हैं और मेरा भाई तरुण भारद्वाज अमेरिका के पागल खाने की धूल चाट रहा है। ये अदालती दस्तावेज हैं सारे के सारे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो एफिडेविट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये उन्होंने खुद लिखा है, और क्या कोई पागल व्यक्ति इस तरह की लिखने की सोच भी सकता है? और ये कोई सामान्य भाषा में नहीं है, पूरी अदालती दस्तावेज हैं, अदालती रहे हैं, और जबकि वो कोई कानून के विशेषज्ञ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अध्ययन किया है उसी हिसाब से ये तो इनकम्पिटेंसी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको पढ़कर कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है, इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि षड्यंत्र इसलिए है ताकि अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर काम करना कोई मामूली बात नहीं है, मजाक बात नहीं है, उस पर वो काम करते थे। और चूंकि मतभेद हो गए इसलिए अब वो वैज्ञानिक उनके काम का नहीं रहा है। तो कहीं ये जाकर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह लीक ना कर दे, चाहे वो यहाँ पर कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, तो कहीं वो टेक्नोलॉजी लीक ना कर दे। इसके डर की वजह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जो हमसे बात करता है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिससे मैं बात करवाऊंगा सबकी, अगर वो उसको एक जीनियस आदमी को पागल खाने में डाला जा रहा है, तो ये विरोध करने वाली स्थिति है, एक दुर्व्यवहार वाली स्थिति है। तो इसका विरोध कीजिए। मैं सारे भारतवासियों और मीडिया कर्मियों से कहता हूं कि प्लीज़ हमको समर्थन दीजिए और हमारे बच्चे को लाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोर्ट गई तो वहाँ पे भैया ऐसा है कि ह्यूस्टन कोर्ट ने वास्तव में जो बात थी उन्होंने ये जजमेंट दिया कि भाई इनके साथ वास्तव में नस्लीय भेदभाव हुआ है और इस परमाणु वैज्ञानिक की जितनी भी मीडिया पर गलत खबरें छपी हैं उनको तुरंत हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छे आदमी में गिना जाता था और पेंटागन के लिए, पेंटागन के प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था। असली बात ये थी कि उससे वो काम तो रात और दिन करता था, लेकिन उसकी जो पेमेंट होता था वो अमेरिका वालों से हाफ होता था। किसी ने वहाँ के ही किसी मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट जो बहुत वृद्ध थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने उनको सलाह दी कि भाई ये तुम्हारे संग अन्याय हो रहा है और तुम्हें इस अन्याय के लिए अपना और अधिकार के लिए कहनी चाहिए। पहले पहले की ब्रिलियन लगाई और जो है ना उसको पागल करार दे दीजिए, वो इच्छुक हैं और मैं देश की जनता और प्रधानमंत्री और एवं मंत्रियों से सबसे ये गुहार करता हूँ कि तो मेरे बेटे को यहाँ जाने में मेरी मदद करें।